ये भीड़, ये उमड़ता जनसैलाब, जहां तक जाएगी आपकी नजर वहां तक दिखेंगे केवल लोग ही लोग। अल्पसंख्यक समाज की इस बड़ी भीड़ से अगर कोई परेशान है तो वो समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि ये भीड़ मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के इस्तकबाल में उमड़ी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन करने निकले तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सिवालखास विधानसभा के हर्रा गांव से उन्होंने मजलिस का प्रचार अभियान शुरू किया है। इस दौरान ओवैसी को लोगों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। महिलाओं ने घरों की छत से उनके लिए फूल बरसाए। वहीं इस मौके पर ओवैसी ने अल्पसंख्यक समाज को कड़ी नसीहत दी है। ओवैसी ने कहा कि लोगों को अपना घर सुधारना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को नागनाथ, सांपनाथ और मदारी की लड़ाई में न पड़कर अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ना चाहिए। हमको, हम पिछड़ा समाज को, कमजोर समाज को, मुसलमानों को अपील कर रहे, अपना घर सुधारो, दूसरे के घर की फिक्र मत करो, अपना घर सुधारो। आपको चॉइस करना है नागनाथ, सांपनाथ और एक मदारी में। इनका साथ मत दीजिए, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी शांत करने वाले बयान पर भी ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद बीजेपी की गर्मी पहले ही शांत हो चुकी है। ओवैसी ने जीत हासिल करने के बाद सिवालखास की स्थानीय समस्या को भी दूर करने का वादा किया है। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी। आज ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन का होल्डर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर सब 50 से ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। किसान रातों में सो नहीं पाता और युवा को उन्होंने उस बेरोजगारी और गुर्बत उसका मुखद्दर बनाकर रख दिया। तो हर महास पर बीजेपी की, योगी और मोदी की सरकार नाकाम साबित हुई, इसीलिए बोखलाहट में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। बीजेपी से क्या कहना चाहते हैं? मेरठ में ये भीड़ है। सिवालखास के आरा इस मुकाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर सिवालखास में तहसील नहीं है। सिवालखास में स्कूल और स्कूल और डिग्री कॉलेज नहीं है। सिवालखास में किसानों को तरकारी बेचने की मंडी नहीं है। अगर यहाँ की जनता हमको कामयाब करेगी तो मैं उनसे वादा कर रहा हूँ कि हमारा विधायक इन तकालीफ को दूर करेगा और उसको हल करेगा। हम तो एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे मोर्चा के प्रत्याशी कामयाब हो और बाबू सिंह कुशवाहा साहब इसके पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हो और डिप्टी सीएम एक मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। मजलिस की कयादत को सिवालखास में अल्पसंख्यक समाज का इस तरह का रिस्पांस मिलना समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इसी तरह बिहार में भी ओवैसी ने अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी की बात उठाकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए मेरठ की ये उमड़ती भीड़ अगर वोट में बदली तो सपा कैंडिडेट को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।